हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को SQL एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और व्हाट इज द एंड और एंड नॉट ऑपरेटर इन SQL सर्वर। तो SQL सर्वर में एंड और नॉट ऑपरेटर क्या है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने कई सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और मैं कंप्लीट एंड और नॉट ऑपरेटर को SQL में क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट करा के आपको बताऊँगा, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें। तो चलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट क्वेरी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि SQL में एंड ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लोकेशन, कंट्री फ्रॉम इम्प्लाई टेबल वेयर कंट्री इज इंडिया एंड लोकेशन इज दिल्ली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी क्वेरी को चेक करते हैं। सेलेक्ट, देन यहाँ पे जितने कॉलम नेम मुझे लेने हैं ये सारा कॉलम नेम मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टाइप करने का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लोकेशन, कंट्री फ्रॉम इम्प्लाइज टेबल से अब हमें किसके बेसिस पे रिकॉर्ड को फेच करना है, वेयर कंट्री इज इंडिया एंड लोकेशन इज दिल्ली, जिसका कंट्री इंडिया हो एंड लोकेशन दिल्ली हो। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए तभी हमारा जो है रिजल्ट डिस्प्ले हो। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होके नहीं आएगा। वेयर कंट्री कंट्री इक्वल टू इंडिया और हम लोग एंड कंडीशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन मैच करे तभी हमारे पास रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होके आएगा, अदरवाइज हमारे पास रिकॉर्ड नहीं फेच होके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट किए हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिसका कंट्री इंडिया है एंड लोकेशन दिल्ली है वो सारे इम्प्लाई के रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पंकज हो गया, मयंक हो गया, तरुण हो गया, तो ये सारे जो इम्प्लाई हैं इनका कंट्री इंडिया है एंड लोकेशन भी दिल्ली हैं, तो इसीलिए दोनों कंडीशन हमारा मैच हो रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास रिकॉर्ड फेच होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं व्हाट इज द एंड और एंड नॉट ऑपरेटर इन SQL सर्वर। तो एंड और एंड नॉट आर इम्पोर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन SQL सर्वर। SQL सर्वर में एंड और एंड नॉट जो है वो इम्पोर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब टू फिल्टर डेटा रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सिवरल क्राइटेरिया और मोर देन वन कंडीशन वी यूज एंड एंड और ऑपरेटर। हम लोग एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं डेटा को फिल्टर करके डेटाबेस से लाने के लिए, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ हम लोग एंड और ऑपरेटर को यूज करते हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज इन कंजक्शन विथ वेयर एंड हैविंग क्लाउज।
एंड एंड और ऑपरेटर का मोस्टली यूज वेयर एंड हैविंग क्लाउज के साथ जो है होता है। अब हम लोग वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल एंड ऑपरेटर क्या है? द एसक्यूएल एंड ऑपरेटर सेलेक्ट्स डेटा इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। अगर सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी हमारा एसक्यूएल एंड ऑपरेटर्स जो है डेटा को सेलेक्ट करके डेटाबेस से लाएगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो हमारे पास डेटा फेच होके डेटाबेस से नहीं आएगा। दिस ऑपरेटर डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर बोथ कंडीशंस कंडीशन वन एंड कंडीशन टू इवेलुएट्स टू ट्रू। मतलब कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी हमारे पास डेटा यहाँ पे डेटा फेच होके आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारे पास डेटा फेच होके डेटाबेस से नहीं आएंगे। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? वेरी सिंपल सिंटैक्स है। सेलेक्ट, अगर आप सारे कॉलम को लेना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट, अदरवाइज कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन वन एंड कंडीशन टू एंड डॉट 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 जितने भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं कंडीशन नंबर ऑफ एन तक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर का हम लोग जो है एसक्यूएल में प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं एंड ऑपरेटर का। इसमें हम लोग डेटाबेस से इम्प्लाई टेबल से फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर सैलरी लोकेशन एंड कंट्री को लेते हैं। वेयर जेंडर इज मेल होना चाहिए एंड सैलरी इज 26,000 होनी चाहिए। तो उस इम्प्लाई के रिकॉर्ड को हम लोग फेच करके लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट देन यहाँ पे जितने भी कॉलम नेम हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा कॉलम नेम को कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को फास्ट बता पाऊँ। फ्रॉम इम्प्लाइज टेबल से वेयर जेंडर जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। एंड कंडीशन हम लोग लगाते हैं एंड सैलरी इज 26,000। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास रिजल्ट आ गया है डेटाबेस से। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जिसकी सैलरी 26,000 है एंड जेंडर मेल है उसी का रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पे संतोष सिंह जिसका जेंडर मेल है एंड सैलरी 26,000 है। सेकेंड इम्प्लाई हमारे पास है राजन जिसका जेंडर मेल है एंड सैलरी 26,000 है। तो उस इम्प्लाय के ही रिकॉर्ड को दिखा रहा है। सपोज हम लोग देखना चाहते हैं जिसका जेंडर फीमेल हो, तो हम लोग जिसका जेंडर फीमेल हो एंड सैलरी 26,000 है तो हम लोग चेक करते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, कंडीशन ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड फेच होके आया है सोनाली जिसका जेंडर फीमेल है एंड सैलरी 26,000 है। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं।
मल्टीपल कंडीशन को डेटाबेस से फेच करके लाने के लिए, एंड इसमें एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे। सपोज यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू डाल देते हैं सैलरी में। अब हम लोग चेक करते हैं, आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड फेच होके डेटाबेस से नहीं आया है। इसका मतलब जो सैलरी हमने यहाँ पे वैल्यू डाला है वो सैलरी डेटाबेस में मैच नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जा रहे हैं, तो उसके कारण से हमारे पास रिकॉर्ड फेच होके नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड फिल्टर होके नहीं आ रहा है। और ऑपरेटर को देखते हैं, द एसक्यूएल और ऑपरेटर सेलेक्ट्स डेटा इफ एनी वन कंडीशन आर ट्रू, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमारे पास डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होके आएगा। दिस ऑपरेटर डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स वेयर आइदर वन ऑफ द कंडीशंस कंडीशन वन एंड कंडीशन टू इवेलुएट्स टू ट्रू, देन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स वेयर आइदर वन ऑफ द कंडीशंस कंडीशन वन एंड कंडीशन टू इवेलुएट्स टू ट्रू, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हमारे पास डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होके आएगा, अदरवाइज डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होके नहीं आएगा। दैट इज आइदर कंडीशन वन ट्रू और कंडीशन टू इज ट्रू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने चाहिए, उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा फेच होके आएगा। सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन वन और कंडीशन टू और कंडीशन डॉट 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 कंडीशन एन, आप जितने नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसका भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर लोकेशन कंट्री फ्रॉम इम्प्लाइज टेबल वेयर कंट्री इज इंडिया और लास्ट नेम इज सिंह, या तो कंट्री इंडिया होना चाहिए या फिर लास्ट नेम उसका सिंह होना चाहिए, उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले करें। तो क्वेरी को कैसे लिखेंगे और क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट, देन यहाँ पे हमारे पास जितने कॉलम को लेना चाह रहे हैं डेटाबेस से वो सारे कॉलम का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फ्रॉम इम्प्लाइज टेबल where country is India or last name is Singh, तो where country equal to India और हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर लगाते हैं और लास्ट नेम सिंह होना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो कंट्री इंडिया होना चाहिए या फिर लास्ट नेम सिंह होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आ गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंट्री जिसका इंडिया है वो सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, प्लस जिसका कंट्री इंडिया नहीं है उसका लास्ट नेम सिंह होना चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं।
सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर सैलरी लोकेशन एंड कंट्री फ्रॉम एम्प्लाई टेबल वेयर। तो यहाँ पे हम लोग वैसे रिकॉर्ड को दिखना चाह रहे हैं जिसका जेंडर मेल हो। जिसका जेंडर मेल हो और सैलरी 26,000 हो। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, देन यहाँ पे हम लोग सारे कॉलम को कॉपी कर लेते हैं। फ्रॉम एम्प्लाईज टेबल एंड और सैलरी 26,000 हो। तो हम लोग उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिसका जेंडर मेल हो या फिर सैलरी 26,000 हो। हम यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट किए हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिसका जेंडर मेल हो या फिर जिसका सैलरी 26,000 हो। जिसका सैलरी 26,000 हो चाहे जेंडर मेल हो या ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होके आ गया है। अब हम लोग इसी में एक और एग्जांपल और ऑपरेटर का देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हम लोग और ऑपरेटर का देखते हैं जिसका कंट्री ऑस्ट्रेलिया हो या फिर लोकेशन दिल्ली हो। चलिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, देन यहाँ पे कॉलम नेम हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल, एम्प्लॉईज टेबल से वेयर कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कंट्री इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर लोकेशन दिल्ली हो, लोकेशन दिल्ली हो। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास क्वेरी रिजल्ट आ गया है। इसमें से जिस एम्प्लॉय का कंट्री ऑस्ट्रेलिया है उस एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को दिखा रहा है या फिर जिस एम्प्लॉय का लोकेशन दिल्ली है उस एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो उसके बेसिस पे हमारे पास रिकॉर्ड फेच होके आता है। अब चलिए हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं नॉट ऑपरेटर का, एसक्यूएल नॉट ऑपरेटर। व्हेन मल्टीपल कंडीशंस आर कंबाइंड यूजिंग द नॉट ऑपरेटर ऑल रोज व्हिच डू नॉट मीट द गिवन कंडीशन विल बी रिटर्न्ड। हमारे पास
अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो वो सारे रो को डिस्प्ले कर दे। द नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ़ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका सारे रिकॉर्ड को फेच होके हमारे पास डेटाबेस से आ जाएंगे। सिंटैक्स देखते हैं, सेलेक्ट कॉलम वन कॉमा कॉलम टू डॉट डॉट एन नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट एंड कंडीशन। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ एसक्यूएल में क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इम्प्लाई टेबल से हम लोग सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर लोकेशन एंड कंट्री। जिसका कंट्री इंडिया नहीं हो, जिसका कंट्री इंडिया नहीं हो वो सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी में सेलेक्ट, देन यहाँ पे हम लोग सारे कॉलम का नाम को कॉपी कर लेते हैं। फ्रॉम इम्प्लाई टेबल से वेयर नॉट कंट्री इंडिया, जिसका कंट्री इंडिया नहीं है उस इम्प्लाई के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट को, तो वो सारे इम्प्लाई को दिखा रहा है जिसका कंट्री इंडिया नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंट्री कॉलम में एक भी इंडिया नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उस इम्प्लाई के रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं जिसका कंट्री इंडिया नहीं हो। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, देखना चाहते हैं जिसका जेंडर मेल नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट, देन यहाँ पे कॉलम नेम ले लेते हैं, वेयर फ्रॉम इम्प्लाई टेबल वेयर नॉट जेंडर इक्वल टू मेल, जिसका जेंडर मेल नहीं हो वो सारे इम्प्लाई के रिकॉर्ड्स को दिखाए। तो हम यहाँ पे भी फीमेल इम्प्लाई हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को हमारे पास डेटाबेस से फेच होके और यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। अब इसी तरीके से सपोज आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, जिसका लास्ट नेम सिंह नहीं हो उस इम्प्लाई के रिकॉर्ड को देखें। लास्ट नेम सिंह नहीं हो उस इम्प्लाई के रिकॉर्ड को दिखाएं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंह कोई भी लास्ट नेम में नहीं मिलेगा आपको, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है। या फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएं जिसका सैलरी 35,000 नहीं हो,
सैलरी थर्टी फाइव थाउजेंड नहीं हो। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 35,000 के सैलरी का रिकॉर्ड है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे सैलरी आ रहे हैं, लेकिन 35,000 सैलरी जिसका नहीं है वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास फेच हो के आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इस तरह के इंफॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।